अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पिछले कुछ अरसे से हादसों में कई लोग मौत के आगोश में जाते हुए देखने को मिल रहा है। हादसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अचानक हो जाता है और जब वारदात बगैर इत्तला पेश आती है तो उसे हादसा ही कहलाया जाता है। खैर, आज लोनावाला बुश डैम में हड़पसर के लियाकत अली के घर के तकरीबन 15 लोग पिकनिक मनाने गए थे। आज पूरा दिन सोशल मीडिया पर यही तस्वीरें और वीडियो वायरल रहा। एक पूरा खानदान देखते देखते कैसे मौत के मुंह में चला गया, इसका नजारा वाकई दिल दहला देने वाला था। मौत कहां कब किसे ले जाती है कह नहीं सकते। बुश डैम के पीछे एक झरना है, वहां ये सब पानी में उतरकर मौज कर रहे थे। अक्सर लोग वहां जाते हैं, हुकूमत को भी यहां पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन अचानक पानी का बहाव शुरू होता है और तकरीबन 10 लोग इसमें फंस जाते हैं। धीरे धीरे पानी का बहाव बढ़ता ही जाता है। कुछ लोग वहां आजू बाजू में भी थे पर इनकी कोशिशें नाकाम रही, लिहाजा 10 अफराद जिनमें खवातीन बच्चे भी थे तेज बहाव के सामने टिक नहीं पाए और बहाव में बहते हुए गए। इत्तला के मुताबिक इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, एक लड़की लापता बताई जा रही है और 5 लोग इसमें बहते हुए किसी तरह से जान बचाने में कामयाब हो गए। हड़पसर के मौलाना अंसारी का यह खानदान था। मौलाना अंसारी ने बताया कि घर में शादी की तकरीब थी, शादी में शामिल होने पुणे से आए थे। इस हादसे के बाद अब घर में मातम फैला हुआ। अफसोस की इंतहा यह है कि घर के लोग उनके सामने ही पत्थर से फिसलते रहे और वह बचा नहीं पाए। 27 जून को अंसारी परिवार में शादी की तकरीब थी। गुलजार अंसारी और तारिक अंसारी की शादी के बाद घर वाले 2 दिनों के लिए पिकनिक की तैयारी कर रहे थे। 30 नवंबर यानी बरोज इतवार फैमिली के साथ 17 लोग टेम्पो ट्रेवलर के जरिए मुशी डैम से 2 किलोमीटर दूर झरने के पास पहुंचे। मौलाना अंसारी ने बताया कि इस ग्रुप में इनकी दोनों बेटियां और भाभी नूर शाइस्ता अंसारी भी शामिल थी। कई लोग झरने के बीच जाकर लुत्फ उठा रहे थे, तब पूरे परिवार के 9-10 लोग भी झरने के पानी में उतर गए। जैसे ही उनका भाई पानी से बाहर निकला, अचानक झरने में फ्लो बढ़ गया। पानी का बहाव तेज होने की वजह से घर के 7 अफराद एक पत्थर पर फंस गए। दोपहर में 2 बजे मौलाना अंसारी के भाई ने फोन किया कि बच्चे चले गए, वे झरने में लापता हो गए। उन्होंने बताया कि यह सुनकर वह चौंक गए और फौरन गाड़ी लेकर हादसे की जगह के लिए रवाना हो गए। 2 घंटे की ड्राइव के बाद जब वह भूश डैम पहुंचे तो वहां पता चला कि नूर शाइस्ता अंसारी उम्र 35 साल, आमीना आदिल अंसारी उम्र 13 साल, मारिया अंसारी उम्र 7 साल, हुमेदा अंसारी उम्र 6 साल और अदनान अंसारी जिनकी उम्र 4 साल थी झरने में बह गए और उन्हें तलाशा जा रहा है। हादसा इतवार के रोज 12:30 बजे पेश आया। इसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से इतवार शाम तक बचाव और राहत मुहिम के काम को अंजाम दिया। शाइस्ता, अमीना और उमेरा की लाशें बरामद हुई, इनकी लाशें हासिल हो गई। इतवार रात तक तलाश मुहिम को रोक दिया गया। आज पीर की सुबह एक बार फिर तलाशी मुहिम शुरू की गई। उन्होंने बताया कि इलाके में भारी बारिश की वजह से डैम का पानी ओवरफ्लो हो गया और झरने का बहाव बढ़ गया। जब हादसे होते हैं तो अफसोस जरूर किया जाता है, लेकिन क्या समाज या हम और आप इससे कोई सबक भी सीखने की कोशिश करते हैं? पिछले कई दिनों से एक हादसों की एक लड़ी लगी हुई। सड़क हादसों में ईद के दूसरे दिन बेलगाम जिला और खासकर अम्बोली के रास्ते पर 6 मुस्लिम नौजवानों की मौत हुई। इससे पहले डांडेली की काली नदी में रमजान के बाद हुए हादसे में एक ही घर के 3 मर्द और खवातीन कुल 5 अफराद इसी तरह मौत का शिकार। यकीनन कुदरत के नजारे देखने से कोई मना नहीं करता, लेकिन अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें हम वहां जाकर भूल जाते हैं। घरों के बड़ों को पहले ही पानी की जगह पर ज्यादा जज्बाती होकर खेलने की जरूरत नहीं होती और किसी एक की गलती कभी कभी पूरे खानदान को भुगतनी पड़ती है, फिर इल्जाम का सिलसिला तो रहता ही है। लेकिन घर के कई जिंदगियों के चिराग जो बुझे हुए हैं उन्हें फिर जलाया नहीं जा सकता। एक और वीडियो देखिए, इसमें इन्हें कई बार कहा जा रहा है कि बाहर आ जाओ, लेकिन वीडियो और फोटो का शौक कैसे जिंदगी छीनने की वजह बन रहा है। आजकल के नौजवान लड़का लड़कियों में इस तरह की हरकतें काफी देखने को मिल रही है और जिंदगी और मौत का खेल खेलते हुए देखा जाता है। पानी का बहाव कईयों को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। जरूरत है समझदारी से काम लेने की। बेलगाम के करीब किटवाड़ में भी हमने हादसे देखे हैं। दांडेली के काली नदी में 12 हादसे पेश होते हुए देखने को मिलता है। तिलारी, गोकाक फॉल्स, गुड़चिन मलकी, बेलगाम जिले में भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर जाकर कुदरत के नजारे देख सकते हैं, लेकिन हादसे का शिकार होते हुए भी देखने को मिलता है। खासकर ईद के दूसरे दिन शादी या किसी तकरीबात में अक्सर खानदान के लोग जमा होते हैं तो पिकनिक की सूझती है। जरूरत है ऐसे वक्त में अक्ल से काम लेने की। यकीनन जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह ताला है।
पर कुछ बेदारी, अकलमंदी, समझदारी इंसान को भी रखनी होती है, वरना इस तरह कई जिंदगियां हादसों के नजर हो जाती है। बेलगाम से गोवा करीब है, लोग समंदर के पानी में लुत्फ उठाते हुए कुछ ज्यादा ही पानी में चले जाते हैं और हादसे पेश आते हैं। भूसी डैम के हादसे में एक बार फिर 5 अफराद जान बहक हुए। जिंदगी अल्लाह ताला की नियामत है और इसे मनमानी तरीके से जीने के आदि न बने। कम से कम इतना तो ख्याल रखे कि जो हरकत करने जा रहे हैं किसी और की मौत की वजह न बन जाए। भूसी डैम के पीछे झरना है, जब पानी नहीं रहता तो बड़े पत्थर नजर आते हैं, लेकिन कहते हैं कि इस बार जो हादसा पेश आया वो तेज बारिश की वजह से पानी का बहाव अचानक तेज हो गया। हुकूमत को भी चाहिए कि तेज बहाव की इत्तला या किसी तरह महकमा को यहाँ पर तैनात किया जाए, क्योंकि भूसी डैम हमेशा हादसों के लिए ही जाना जाता है, तो हुकूमत की अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं। यहाँ के लोग छुट्टियां मनाने ज्यादा आते हैं तो तहफ्फुज़ इंतजाम भी होने चाहिए। खैर, हुकूमत को जिम्मेदार ठहराने की बजाय खुद जिम्मेदारी से भी काम ले ले, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा। लिहाजा कुदरत का नजारा देखने जाते हैं तो उसी खुदा ने इंसान की जिंदगी भी बख्शी है, तो लापरवाही बिल्कुल ना करे, क्योंकि ये जिंदगी हमारी अमानत नहीं है, वो तो अल्लाह ताला की है और ये जिंदगी का हिसाब भी उसी को देना होता है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।